दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू बहुत सारे रिक्रूटमेंट लेके। लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, तो दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम सारी जॉब अपडेट, देखो आप देख सकते हो सारी सारी जॉब अपडेट टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। अगर आपको टाइम टू टाइम सारी जॉब अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल, आपको इजीली मिल जाएगा और ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी है जो डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए है, इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी है। ये नोटिफिकेशन अभी मतलब 9 दिसंबर 2022 को रिलीज हुआ है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों जो वैकेंसीज़ हैं डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पर जो एज लिमिट रखा गया वो 27 ईयर रखा गया, जो 31/12/2022 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। यहाँ पर बता दिया गया है कि 1/1/1996 से 31/12/2004 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप इस क्राइटेरिया में आते हो, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों तो यहाँ पे S1 ग्रेड के लिए वैकेंसी है जो 1 ईयर ट्रेनिंग के बाद आपको S1 ग्रेड मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है और वो जो अच्छे इंस्टीट्यूट से और वैलिड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए कौन कौन सी ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं वो सारी ब्रांचेस यहाँ पर दोस्तों आपको समझाएगी, आप देख सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ये सारी ब्रांचेज अप्लाई कर सकती हैं इलेक्ट्रिकल डबल ई ग्रेड में। नेक्स्ट बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी, वहां पे ये सारी ब्रांचेज अप्लाई कर सकती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है सिविल, सिविल के लिए सिविल ही है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज का भी क्राइटेरिया रखा गया, 70% होना अनिवार्य है, तो यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते जिसने क्या कर रखा है कि 12th के बाद बीटेक किया, बीटेक के बाद एमटेक किया, वो लोग यहाँ बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो डिप्लोमा बेसिस पे यहाँ पर अप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस मोड पे आपने अगर ये डिप्लोमा किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे ये सारी की जो ग्रेड से इनके लिए सारी की सारी किस किस कैटेगरी के लिए कितना कितना वैकेंसी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दोस्तों क्लियर करा गया है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे आपको कितना पेमेंट मिलने वाला है, क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं और किसके लिए कितना छूट है, एज में कितना छूट मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे बताया गया एज के लिए ओबीसी के लिए 3 साल, एससीटी के लिए 5 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल हैं, और जम्मू कश्मीर से एक्स सर्विस मैन है, ये सब के लिए जो भी गवर्नमेंट नियम है उनके हिसाब से होगा यहाँ पर, ठीक है। और भी कई सारे रिजर्वेशन हैं जो आपको यहाँ पर बताए गए, उन्हें आपको रीड कर लेना अच्छे से। सेलेक्शन का तरीका क्या है मैन, तो वो यहाँ पर सिलेक्शन का तरीका जो रखा गया यहाँ पर दोस्तों वो है रिटन टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, और उस बेस पे यहाँ पर आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। इसमें पार्ट 2 होंगे, एक होगा टेक्निकल नॉलेज टेस्ट जहाँ 120 क्वेश्चन होंगे, और सेकंड पार्ट में बताया गया है कि SAT होगा विद 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, तो 1/4 रखा गया है वो, और बाकी की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रिटन टेस्ट जो भी है वो सारी चीज़ें बताई गई यहाँ पे। बाकी का यहाँ पर जो है रिजर्वेशन का बता दिया गया कैसे कैसे कितने कितने के लिए छूट है। एप्लीकेशन फ़ी के लिए यहाँ पर 300 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है, और वो आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर लिंक दी गई है, इस पर आपको जाना रहेगा अप्लाई करने के लिए powergrid.in, वहाँ पर कैरियर ऑप्शन में जाइए और अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ बताई गई हुई सारी की सारी, ये आपको देखो powergrid.in कैरियर सेक्शन में जाना है, जॉब अपनी ये वो सब बताया गया उसके मैं जाना है,
ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं वहाँ पर अपलोड करने के लिए, कितना 50 KB 30 KB जो भी है स्कैन कर करके सारे आपको तैयार कर लेने फॉर एप्लीकेशन सबमिट, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट आगे चलें तो सारी चीज़ें वही बताई गई हैं आपको। और नेक्स्ट तो यहाँ पे आपको बताए गए हैं कि बाउंड रखा गया है जो जनरल एंड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 2,50,000, बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 1,25,000 रुपये रखा गया है सर्विस बाउंड, ठीक है। तो मिनिमम 3 ईयर रखा गया, अगर 3 ईयर के बाद आप इस कंपनी को छोड़ते हो तो इसे कोई आपत्ति नहीं है। टेस्ट के सेंटर ये सारे बता दिए गए हैं, दिल्ली ये सब लोकेशन बताए गए, ठीक है। इस लोकेशन पर टेस्ट के सेंटर रहेंगे जहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। तो नेक्स्ट आगे चलें, वो सारे क्राइटेरिया वो इतने ये वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई, वो आपको पढ़ लेना, अच्छे से रीड कर लेना है। फाइनली इस एप्लीकेशन को आप 9/12/2022 शाम को 5 बजे से 31/12/2022 शाम को 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हो। एडमिट कार्ड जो भी डेट बता दी जाएंगी, डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट तो जो भी बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपको इस नोटिफिकेशन को रीड करने के लिए सिंपल तरीका है, आपको डालना है इधर पावर ग्रिड गूगल पे जाके, आपको यहाँ पे ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा डिप्लोमा के लिए। जैसे ही आप यहाँ प्रेस करोगे ना, आपके सामने नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, डायरेक्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बाकी अंदर जाके कैरियर ऑप्शन में जाके अच्छे से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी एग्जीक्यूटिव के लिए और वो गेट 2020-21-22 के थ्रू यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक, जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर। वैकेंसी सारी बता दी गई हैं, सिविल के लिए 62, इलेक्ट्रिकल के लिए 84, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 440, आर्किटेक्चर के लिए 10 वैकेंसीज हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे तो शॉर्टकट में बताया गया आपको www.aai.aero में जाके अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या है, कौन कौन सी क्राइटेरियाज हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। यहाँ पे आपका एजुकेशन बताया गया है, सिविल के लिए बैचलर डिग्री चाहिए सिविल से, और ये कोड इसके अंदर रहेगा, ठीक है, जो आपका गेट वाला है। और नेक्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए डिग्री चाहिए, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कौन कौन सी कैटेगरी कौन कौन सी ब्रांचेज आते हैं बता दिया गया है, सबके कोड यहाँ पे पड़े गए गेट वाले, तो ये गेट वाले कोड वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आर्किटेक्चर वाला भी बता दिया गया है यहाँ पे, तो बैचलर डिग्री यहाँ पे भी चाहिए, तो बता दिया गया सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, लाइक बताया गया मिनिमम 60% होना चाहिए, हाँ, और इक्विवेलेंट ऑफ बैचलर डिग्री। और यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसका स्टार्टिंग डेट 12/12/2022 है, लास्ट डेट 21/1/2023 है, और वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इस लिंक को। तो एज क्राइटेरिया 27 ईयर रखा गया जो 21/1/2023 के हिसाब से काउंट होगा। 5 साल का छूट एससी एसटी के लिए, 3 साल का ओबीसी के लिए छूट दिया गया है दोस्तों, बाकी 10 साल का पीडब्ल्यूबीडी के लिए छूट है। नोट में कुछ चीज़ें दी गई हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे सारे जो भी पे स्केल है वो बता दिया गया है, वो आपको रीड कर लेना है। सिलेक्शन का तरीका ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लगभग आपका गेट रहेगा मेनली 2020-21-22 आपका वहाँ पे है, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने के जो है चांसेस हैं, ठीक है। तो वो मैंने और बाकी की सारी चीज़ें आपको जो कैसे कैसे क्या क्या करना है बता दिया गया, सर्विस जो है कंडीशंस भी रहेंगी इधर, तो वो बता दिया गया है। अप्लाई करने का तरीका तो वहाँ ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके देखो, यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है, और बाद में कैरियर ऑप्शन में जाना है और उधर जाके ये आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, और उधर जाके आप ये सबमिट कर पाओगे। लेकिन अभी इसका स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर एप्लीकेशन फी 300 रुपये रखी गई है, ठीक है। ऑनलाइन मोड रहेगा और बराबर, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए फीस की कोई ज़रूरत नहीं है, फीमेल्स के लिए बताया गया है यहाँ पर, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं। जनरल इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से रीड करने और बाद में अप्लाई करना दोस्तों।
तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतने नया नोटिफिकेशन फिर से लेके आएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके और सेलेक्ट कर लो।